know, wait, I'll do it. Hi. Hello, hello, hello. Familiar faces, hello. Where's Ashman? Ashman aa rahe hain. Good, yeah. Good, I'm very happy. ये भी उतनी चली भागी दौड़ी. Are you guys watching it? Yeah, I think वो दोहा UAE के reviews हैं. Very hectic. यार मुझे लग रहा है मेरे को ज़्यादा ही attention है. मुझे लग रहा है मैं वापस आऊँ क्या? आप लोग शूट कर ही जा रहे हैं भी लाइक दे सनली देखो यार नहीं जाते तो फिर कौन जाता है प्रिंट जाता कहाँ है गया हीरो हमारा हीतल का सर पूरी कोशिश करूँगी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी डिमांड आई है मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आप लोग कहाँ देखती हैं मैं दिखाती हूँ आप लोग चंद का मैं भी पीवीआर जू इसके बाद विशाल मीट आ गए श्री क्लाब क्लाब but you are smelling so good so it's okay thanks thanks ready 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 बहुत एक्साइटमेंट है और ऑफ कोर्स मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट है जैसे होता है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से पहले की एक्साइटमेंट होती है वो है अभी हमें फिल्म में भी परफॉर्मेंस एंजाइटी है अभी भी हमें परफॉर्मेंस एंजाइटी है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी है हमारे आस पास और हम बहुत एक्साइटेड हैं पर अच्छी बात है कि हाँ बहुत सारी बर्फी खाकर लोग टॉयलेट गए उसके बाद अब शुभमंगल सावधान देखने आ रहे हैं नहीं बहुत दम लगाया फिर टॉयलेट गए और उसके बाद बहुत सारी बर्फी खाई और सब शुभ मतलब बॉडीज टोटली बैलेंस बॉडीज बैलेंस बॉडीज बैलेंस या नो बॉडीज नॉट बैलेंस हाँ फिल्म में बैलेंस नहीं है काफी इंटरेस्टिंग रिस्पांस मिल रहा है इनफैक्ट दुबई में स्क्रीनिंग हो चुकी है कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं अभी तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और आई एम ग्लैड कि ट्रेलर लोगों को काफी अच्छा लगा है और उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी उतनी अच्छी लगेगी आई थिंक दोनों फिल्में अलग हैं अपनी अपनी दोनों की दुनिया है हमारी अलग फिल्म है उनकी अलग फिल्म है अगर दोनों फिल्में अच्छी हैं दोनों चलेंगी दोनों चलनी चाहिए आई थिंक अच्छी बात है कि यार हम ये हमें इस बात की वो थी कि यार कि पहली वाली फिल्म चल जाए ताकि दूसरे में पॉजिटिविटी बनी रहे तो अच्छी बात है कि हम दोनों की पहली फिल्में चल गई हैं तो इसमें एक पॉजिटिविटी है और लोगों को लोग इसके लिए भी एक्साइटेड हैं और वैसे भी जब आप एक थिएटर के अंदर जाते हैं उस अंधेरे में जब देखते हैं तो सब कुछ नए शुरू सिरे से शुरू होता है कहानी नए सिरे से शुरू होती है सब कुछ नया होता है सर आपके मूवी को यूएसए के लिए मिला विदाउट कट तो कितने एक्साइटमेंट और कितनी खुशी क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही वो कर रहे थे हम मूवी देखी जाए तो बहुत सारे यार वो आपकी फिल्म पर डिपेंड करता है फिल्म है ही जब क्लीन तो आप क्या काटोगे तो मतलब वही है कि हमने क्लीन फिल्म बनाई है फैमिली फिल्म बनाई है कुछ भी उसमें गलत नहीं कहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आपको देखकर फैमिली के साथ आपको अटपटा लगे आई थिंक इट्स वेरी वॉचेबल बाय द फैमिलीज जी पर इस बार कितना जोर लगाना पड़ा बिकॉज प्रमोशन ऑलरेडी इतने हिट चल रहा है गाने पसंद आए यू नो हाउ यू फील दैट सो इस बार दम हमें कम लगाना पड़ा क्योंकि सब कुछ हो रहा है सॉरी सॉरी हाँ इस बार दम हमने बहुत लगाया फिल्म में और फिल्म के बाहर भी लगा आयुष्मान को ज़्यादा दम लगाना पड़ा है बेचारे को हमेशा फर्स्ट फिल्म आ सके लेकिन इस फिल्म में फ़ायदा दम सच में कम लगाना पड़ा क्योंकि आधी हो गई है Yeah. Which probably Amol Palekar or Farooq
आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट अगर आप मुझे बोलते हैं कि अमोल पालेकर या फारूक शेख जो फिल्में करते थे मैं करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है हर एक जोन में एक सेट होने के बाद. लेकिन जैसे मैं अब श्रीराम राघवन की फिल्म कर रहा हूँ जो डार्क फिल्म है, थ्रिलर है, तो उसमें मेरे लिए बहुत बड़ा गेयर शिफ्ट होगा एंड मेरे कैरेक्टर के लिए, जॉनर के लिए. सो आई थिंक आई वुड लव टू डू एवरीथिंग, नॉट जस्ट आई वॉन्ट टू बी एन अमोल पालेकर ऑल्सो एंड ऑल्सो शाहरुख एट द सेम टाइम. इट वॉज इन फैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ये फिल्म ऐसी बनी है साउथ में जो स्लीपर हिट थी 2013 में. इट वॉज नोन एज द विकी डोनर ऑफ द साउथ, की एस एस जिसे हम कहते हैं तमिल फिल्म जो है. लेकिन हाँ, ये काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था कि हाँ यार, पहले मैं एक स्पर्म डोनर था, अब मैं एक ऐसा लड़का प्ले कर रहा हूँ जिसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है. सो इट वॉज क्वाइट एन आयरनी ऑफ लाइफ फॉर मी. तो आई थिंक आई एम द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस. इस गाने में, इस फिल्म में, फिल्म के अंदर मेरा सॉन्ग यूज़ नहीं हो रहा है. मेरा एक वर्जन आपको उसकी एल्बम में नजर आएगा, कान्हा जो गाना है वो मैंने ऑफकोर्स आजकल चल रहा है काफ़ी चैनल्स पे. ZETC का माइक ही तोड़ दिया तुमने यार. हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चुप हम पकड़ लेते यार. बॉलीवुड के पापा कहाँ लिखा? बॉलीवुड पापा. सॉरी, कहाँ पे थे हम? गाने पे थे. हाँ तो यार मज़ा आता है हर एक फिल्म में गाकर, क्योंकि मैं गायक भी हूँ, सिंगर भी हूँ, तो आई थिंक एक वर्जन मेरा बनता है. बरेली में भी नज़म गाया था मैंने, इसमें मैंने कान्हा गाया है. सो इट्स गुड फन. हाँ नहीं यार, आयुष्मान के पास और बहुत गुण हैं जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ. सिंगिंग आई थिंक वी शुड लीव टू हिम. नहीं यार, वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, ऐसा कंपैरिजन तो मत ही करो. लेकिन हाँ, वो मैं पहले एक्टर हूँ बाद में सिंगर हूँ, मैं ये बोलता हूँ. शूट करते हुए जी इतनी क्लीन फिल्म थी कि हमें किसी चीज़ की सावधानी नहीं थी. हम इतने अमेजिंग जगहों पे शूट कर रहे थे, हम इतने अच्छे दोस्त हैं पूरा यूनिट. हमने सिर्फ शुभ और मंगल काम किए, इसमें सावधानी कोई थी ही नहीं. No, I think earlier also I had certain parameters while I was choosing a script. They are still the same. The economics of a film, I'm very happy that the film has done so well, but nothing changes for me. I'm still like an actor and I'm going to find roles that where I have to perform. लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, रिलेशन आया या विकी स्पर्म डोनर ही क्यों ना ले, तो ये बहुत ही गलत माना जाता है. तो ये फिल्मों से लगता है कि आपको और चीज़ में जिस तरह से इनको प्रॉब्लम है ये पिक्चर में इरेप्टिकल डाई फंक्शन राइट, तो ये परफॉर्मेंस एनजाइटी तो ये लगता है चेंज हो. डेफिनेटली यार, क्योंकि मुझे लगता है फिल्में एक जरिया होती है, होता है. हाँ सॉरी सॉरी यार, फिल्में एक सोसाइटी में एजुकेट करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है फिल्म्स का. और जो हमारी फिल्म है स्पेशली, जैसे मैंने आपको कहा एक फैमिली एंटरटेनर है, ये फिल्म इसी बारे में बताती है कि एज पार्टनर्स आपको कॉन्वर्जेशन शुरू करनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं. क्योंकि इतनी शादियाँ होती है जो टूट जाती है, पेरेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि मैरिजेज या रिलेशनशिप एक ऐसे प्रॉब्लम की वजह से टूट सकते हैं. लेकिन फिल्म देखने के बाद असल 100% चेंज. शादियाँ टूटती है डेफिनेटली. हम इतने लोगों को जानते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, पेरेंट्स मानते ही नहीं है, बोलते छुट्टियों पे चले जाओ, सेकंड हनीमून पे चले जाओ. वो उनको लगता है कि शादियाँ सिर्फ तब टूट सकती है अगर अब्यूजिव हस्बैंड हो या चीटिंग वाइफ हो या कोई ऐसी दिक्कत हो. नहीं यार, और पेरेंट्स तक ये बात पहुँचती ही नहीं है क्योंकि कपल्स आपस में उनको इतनी शर्म आती है. सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का और हमें इसे सॉल्व करना चाहिए. अगर ऐसे इशू होता है तो वेकेशन पर जाने से सॉल्व नहीं होगा. या तो साइकोलॉजिकल है तो आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, अगर फिजिकल है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. सो यू टू सॉल्व दिस, आप तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते.
ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक एक सेकेंड समबडीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन बेड डज नॉट मीन दैट दे आर ग्रेट मैन यू नो. एक अच्छा आदमी होने के लिए आप में बहुत ज़्यादा दूसरे गुण होने ज़रूरी है. आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, बहन को, परिवार को, आसपास के लोग को, समाज में आपका कैसा व्यवहार है, ये सब आपको परफेक्ट मैन बनाता है. जी बिल्कुल करनी चाहिए और यही होगा फिल्म के बाद आई एम श्योर. उनकी निजी जिंदगी है. हाँ उनकी पर्सनल लाइफ है सर. लाइक आप अपने पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल बना के नहीं, उसके लिए फिल्में हैं. यू नो फिल्मों में किरदार होते हैं जिनका आप एग्जाम्पल बनाते हैं और आप उनसे चीज़ें सीखते हैं या उन्हें चीज़ें देते हैं. आप पर्सनल लाइफ का क्यों, मतलब आप आई डोंट थिंक इंडिविजुअली किसी भी आप प्रोफेशन में हो यू वुड लाइक टू यू नो बी दिस ओपन. काफी अच्छी लगी. इनफैक्ट हर एक फिल्म के अंदर अच्छे एक्टर होना बहुत जरूरी है. विकी डोनर में अनू कपूर को नेशनल अवार्ड मिला था मेरे साथ थे. दम लगा के ऐशा में संजय मिश्रा बहुत बड़े एक्टर थे. इस बरेली की बर्फी राजकुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया. आई थिंक एक फिल्म जो है वो टीम वर्क होता है और वही उसी के साथ फिल्म सक्सेसफुल होती है. अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो सबको फायदा होता है. इस तरह के टॉपिक जैसे स्पर्म डोनर हो गया, अब ये और कोई ऐसा थॉट है दिमाग में जो आगे चलती है? वो मेरा थॉट नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर का काम है यार. आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं है. मैं एक्टर हूँ, मैं अभी एक्टिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, सिंगिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और जो अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी जरूर करूँगा. आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली आप कोई भी ऐसा फिल्म नहीं करना चाहते जो आपकी फैमिली नहीं देख पाए, जिसको देखकर आपकी फैमिली को शर्म आए. ऐसी फिल्म हम कभी करना ही नहीं चाहते क्योंकि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसी फिल्म करने की ज़रूरत भी नहीं है. और जब तक आप एक टैबू सब्जेक्ट को फैमिलीज तक नहीं पहुँचाते तो उस फिल्म का मकसद ही पूरा नहीं होता. जब तक हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्रिएट नहीं करते तब तक उसका मोटिव ही पूरा नहीं होता. एनवायरमेंट हैज बीन बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर इयर्स. वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव जस्ट नॉट एक्नॉलेज्ड इट एंड यू नो पीपल बिहेव लाइक ऑल दीज फ्लड्स, द आइस कैप्स आर मेल्टिंग, देयर इज अ हरिकेन एवरी ईयर इन अमेरिका. दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स वेरी सैड टू सी लाइक top leaders not accept it or acknowledge it. And I feel at an individual, like trust me, this is one thing that scares me. I think of it and I feel scared because how do you fight nature? You can fight everything else. How do you fight nature? There's no way out. Yeah. It's scary. In fact, the urbanization which is happening, it's slightly lopsided. You know, concrete jungles are happening, the green belt is decreasing. Urbanization ho rahi hai, toh kahi jagah bahut population hai, kahi jagah population hi nahi hai. So I think we need to take care of that, maintain a particular balance between nature and the development. So I think only that we can achieve. Day by day, our population is increasing. Incident you post, like, any cuts on your, you're happy with that? I think, yeah. But then the films, like, you know, with CBSC, like, you know, you post many cuts, like, 35 or something like that. What are you with them? Like, you feel that Bollywood's so united at that time? Like, it depends what kind of cuts are being made. And it depends on the script to begin with. If your film is clean and the intention of the producer and the director and scriptwriter was to make a family film, and we were always expecting it to be a UA or a clean film and get a clean sheet from the CBFC. But at the same time, I'm glad the CBFC is also progressive, that they're supporting content and they are supporting these kind of issues, that it should reach to the mass audience. So it depends on the script, I guess, completely. I have not seen the film, so I can't comment on that. Yeah. It is still like being from that fraternity, like Bollywood. Do you support him as a director? I think being with the fraternity, you should support every director. And to begin with, I think you should know the script to begin with. And also you should see the film to comment on that. So I have no idea about it. So just a few days back, like, you know, we just interacted with the comedy people and we were just asking that, like, you know, your movie is releasing in Barsha also. We were just asking that which movie you prefer for. So many of them said, like, you know, I don't know, yeah. You should ask them. And in fact, yeah, he's a superstar. We look up to him. Yeah. I have a long way to go to become an Ajay Devgan. Yeah, we look up to him. And if both the films are good, both will do well. We have our own space. He has definitely a larger audience with him. He's a superstar. And if our trailer has worked,
and I'm glad film the people will come and watch our film and both the films will be successful. Let me complete my answer to be complete my answer, yeah. You asked a question to me. Yeah. So if both the films are good, both will do well. Thank you. नहीं रियाज करता हूँ मैं सुबह शाम रियाज करता हूँ आजकल थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि दो बैक टू बैक फिल्म्स आई हैं लेकिन मैं सुबह खर्च का रियाज करता हूँ शाम को ऊपर का रियाज करता हूँ उसके बिना नहीं हो सकता कुछ मेरी कोशिश नहीं रहती अगर प्रोड्यूसर डिमांड करते हैं मैं गाना गाऊँ तो गा सकता हूँ देयर इज नो डेस्परेशन टू सिंग कभी कभी आप अपने कैरेक्टर को ऊपर रखते हैं और सिंगर को नीचे रखते हैं मैं हमेशा ये सोचा कि आई एम एन एक्टर फर्स्ट एंड देन अ सिंगर और सर क्योंकि हमारी बहुत सारी वेब सीरीज कर रहे हैं जी उसकी अपनी जर्नी है और वो अपनी जर्नी जी रहा है और उसकी अपनी सच अ गुड एक्टर या इज अ ग्रेट एक्टर हिमसेल्फ और आई एम ग्लैड ही इज डूइंग रियली वेल या वो एंकरिंग भी कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ सो आई थिंक दैट्स ग्रेट ऑफकोर्स होना चाहिए मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज एंड वो एक औरत का हक है कि उसको कौन छू सकता है कौन नहीं छू सकता चाहे वो पति क्यों ना हो उसको उसका अपना हक है यार वो बिल्कुल क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए Exactly what he's saying. Yeah, I'm a feminist. I think nothing should be done, said. Nobody has the right to touch you without your consent, be it your husband, your lover, your father, in any way, anything. You know, it's my body, and I think it's really there should be cruel punishment for marital rape, rape of any kind. Okay, sir. Lastly, वॉच आवर फिल्म शुभंगल सावधान रिलीज़ कल हो रही है और देखने जाइए परिवार सहित देखने जाइए इट्स क्वर्की इट्स फनी इट्स अ फैमिली एंटरटेनर चाय और बिस्किट साथ लेके जाना कोशिश करना कि बिस्किट ना गिरे थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू